नमस्कार एमपी अब तक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की श्योपुर की खबर के साथ, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने विजयपुर अस्पताल का निरीक्षण किया है, अस्पताल के हालात देखे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वार्डो और ओपीडी में भी एसी लगाए जाने और मरीजों के बैठने के लिए चेयर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बीएमओ को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। न्यूज 18 ने प्रमुखता से अस्पताल की बदहाली दिखाई थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि खुद अस्पताल को इलाज की जरूरत है। हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई, हमने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद श्योपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ की तरफ से विजयपुर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कलेक्टर ने जायजा लिया और ये खराब स्थिति अस्पताल की, विजयपुर अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मरीज परेशान हो रहे हैं इस भीषण गर्मी में। ना एसी है, ना उतने बेड हैं जितने मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल के हालात देखे कलेक्टर साहब ने, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वार्डो और ओपीडी के बारे में भी जानकारी ली और एसी लगाने की बात कही है, और साथ ही मरीजों के बैठने के लिए चेयर की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बीएमओ को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। न्यूज 18 ने दरअसल प्रमुखता से बदहाली की खबर दिखाई थी, अस्पताल की बदहाली की तस्वीर हमने दिखाई थी कि लोग देखिए कैसे व्हीलचेयर नहीं है तो मरीज को बहुत ही मुश्किल से अस्पताल तक लाया जाता है, कई बार तो एम्बुलेंस नहीं होते हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो बदहाली की ये तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीर। कलेक्टर ने फिर जायजा भी लिया। दीपक दंडौतिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दीपक, दो तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जहां कलेक्टर ने जायजा लिया, और दूसरी तस्वीर बदहाल स्थिति अस्पताल की। क्या दिशा निर्देश कलेक्टर की तरफ से जारी किए गए? जी बिल्कुल अंशिका, सही बात है। बदहाल अस्पताल की तस्वीरें न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने रविवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। इससे पहले विजयपुर एसडीएम ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया था, कुछ सुधार भी कराया था, लेकिन जो सुधार होना चाहिए थे वो नहीं हो पाया, जिसे लेकर के अब कलेक्टर ने निरीक्षण किया है। उन्होंने खुद देखा कि वार्ड में इस भीषण गर्मी में एयर कंडीशनर के इंतजाम नहीं है, जहां अच्छे व्यवस्थाएं होनी चाहिए बैठने के लिए, पर्याप्त कुर्सियां होनी चाहिए, वो नहीं है। तो कलेक्टर ने इसे लेकर के बीएमओ को निर्देश दिए हैं कि जहां एसी लगाने की जरूरत है वहां तत्काल एसी लगाई जाए, और जहां कुर्सियों के पर्याप्त इंतजाम नहीं है वहां मरीजों के और अटेंडरों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाएं। इसके अलावा जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं, एम्बुलेंस हो या फिर दूसरी व्यवस्थाएं हो, सभी को दुरुस्त करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। और कलेक्टर इसे लेकर के सख्त भी रहते हैं, वो जिला अस्पताल का भी इससे पहले निरीक्षण कर चुके हैं और यहाँ पर भी कई व्यवस्थाओं को सुधरवा चुके हैं। अब विजयपुर का उन्होंने कहा है कि विजयपुर की बारी है, सभी तरह के इंतजाम यहाँ पर कराए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी साझा करने के लिए। तो कलेक्टर की तरफ से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, वो मौके पर और उन्होंने जायजा भी लिया। और अब बात रायसेन की करेंगे, जहां जिला अस्पताल में घूसखोरी का मामला सामने आया है। डिलीवरी वार्ड में नर्स ने पैसे लिए हैं, प्रसूता की परिजन से पैसे लेते वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में नर्स को वार्ड से हटा दिया गया है और जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। मेडिकल छुट्टी पर फिलहाल नर्स बताई जा रही है, ड्यूटी पर आते ही पूछताछ करने की बात, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये वीडियो घूसखोरी का, पैसे लेते हुए नर्स को देखा जा सकता है। और ये पैसे क्यों ले रही थी ये भी आपको बता देते हैं। मिठाई और चाय नाश्ते के बहाने परिजनों से पैसे लिए जाते थे, जब इन्हें इनकी सैलरी दी जाती है, बावजूद इसके आप देखिए कैसे परेशान लोगों से पैसे ऐंठती है नर्स। हालांकि अब छुट्टी पर यह बताई जा रही है, आने के बाद पूछताछ का सिलसिला देखने को मिलेगा। दिनेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या छुट्टी से वापस लौट आई हैं नर्स? बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं, जिला मुख्यालय की बात किया तो जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। सरकारी अस्पतालों में अंशिका एक गरीब और मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो ही यहाँ पर पहुंचते हैं कि उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध मिल सके, लेकिन जिस तरह की बात की जाए यहाँ पर जिला अस्पताल में लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं कि यहाँ पर घूसखोरी और नर्स जो है और अन्य स्टाफ जो है छोटा, वो यहाँ पर चाय नाश्ते के और मिठाई के बहाने यहाँ पर परिजनों के, यहाँ पर जो प्रसूता होती है उनके परिजनों से यहाँ पर पैसे की मांग करता है। इस मामले में जैसे ये वीडियो सामने आया, वायरल
हुआ है। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है और नर्स को मौके से हटाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है और नर्स बताई जा रही छुट्टी पे है। जैसे ही छुट्टी पे अभी आई नहीं है, मेडिकल पे हमारी बात हुई है जो सिविल सर्जन है अनिल लोड, उन्होंने कहा कि जैसे ही नर्स यहाँ पर छुट्टी से लौट कर आती है उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। साथ ही उन परिजनों से भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी जो वीडियो में यहाँ पर नर्स को पैसे देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ही गंभीर मामला है कि राजधानी भोपाल से लगा हुआ रायसेन जिला और जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और वर्तमान में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का यह गृह जिला है और उनके गृह जिले में अगर स्वास्थ्य कर्मचारी इस तरीके से काम करेंगे तो सवाल उठेंगे। अंशिका वाकई में दिनेश बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर भिंड से है जहां रेत माफिया के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन ने अवैध रूप से भंडारित करीब 1200 टन मीटर रेत जब्त किए हैं। साथ ही रेत खदानों पर पहुंचकर जेसीबी से बड़ी खाई खोदी गई है। प्रशासन ने रेत खदानों तक पहुंचने वाले रास्तों को बंद किया है। आपको बता दें कि प्रतिबंध के बावजूद भी नदियों से अवैध उत्खनन की प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन ने भरौली और अमायन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खदानों के रास्तों को ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने रेत के अवैध भंडारण को जेसीबी से मिट्टी में मिला दिया और प्रशासन की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। शासन की मंशा के अनुरूप कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो अवैध रेत उत्खनन में माफिया संलग्न है, उन रेत माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जिस रास्ते से वो अवैध रेत का परिवहन करते हैं, उन रास्तों को आज नष्ट किया गया, जिसमें राजस्व दल था महगांव माइन क्षेत्र का। और इसके साथ साथ नदी किनारे, सिंध नदी के किनारे जो अवैध रेत के ढेर थे, भंडार किए गए थे माफियाओं द्वारा, उनको विनिष्टीकरण करते हुए नदी में मिला दिया गया। सीहोर जिले में नर्मदा नदी में अलग अलग घाटों पर अवैध खनन का मुद्दा न्यूज 18 की टीम ने प्रमुखता से उठाया था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और साथ ही राजस्व और खनन विभाग ने नर्मदा नदी के किनारे बसे गांव के लोगों से भी बातचीत की। खनिज नीति के तहत राज्य सरकार ने एजेंसियों को रेत खनन और परिवहन के ठेके दिए हैं। इन्हीं एजेंसियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में राजस्व और खनिज विभाग शिविर लगाकर ग्रामीणों से संवाद कर रहा है। इस दौरान ग्रामीण भी अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। जबलपुर के एक निजी स्कूल पर जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है और आरोप है कि स्कूल ने अभिभावकों को बिना ISBN नंबर वाली किताबें दी थी। स्कूल जिला प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए छुट्टी वाले दिन यानी कि रविवार को अभिभावकों को बुक्स जमा करने के लिए बुलाया और इस दौरान मौके पर प्रशासन की टीम भी पहुंच गई और अभिभावकों के बयान दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मिली थी कि सैमफील स्कूल विजयनगर क्षेत्र में यहाँ पे संडे के दिन, जैसा आप लोग देख रहे हैं, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में पेरेंट्स को बुला करके कुछ बुक्स स्पेशल उन्होंने मेंशन किए होते, ये बुक्स जो हैं वो जमा करवाई जा रही हैं। जैसा हम सभी की जानकारी में है अभी कि ये मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ऑनगोइंग चल रही है इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से बुक्स जमा करवाना और पेरेंट्स को बुला करके स्टूडेंट्स की बुक्स लेना, ये एक तरह से ये वही बुक्स हैं जिसमें आरोप या एलिगेशंस लगे हुए हैं कि इसमें फर्जी ISBN हो सकता है या है। ये एक तरह से एविडेंस टैम्परिंग के श्रेणी में आएगा, ये नहीं किया जाना चाहिए था और इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। कुल अभी तक 34 किताबें स्कूल ने जमा करवाई हैं, वो सभी हम लोग जब्त करेंगे। फिलहाल तो हम लोग ये कलेक्ट करके प्रतिवेदन देंगे कलेक्टर महोदय को, उसके बाद जैसा उचित होगा साहब निर्देशित करेंगे। नहीं, मैसेज नहीं गया है, ऐसे ही कॉल में बात की। कॉल में बात हुई कि किताबें जमा करना, किताब नहीं एक बुक, वैसे एक बुक जमा करनी है, हिंदी ग्रामर। क्या था उसमें, कितना अमाउंट था? 490 लगभग।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर बागेश्वर धाम के पूर्व सेवादार की हत्या करवाने की धमकी देने का आरोप लगा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर जीतू तिवारी ने मारपीट का भी आरोप लगाया और पुलिस पर सही धाराओं में केस नहीं दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने पुलिस से धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। बागेश्वर बाबा के भाई सालिग्राम गर्ग ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जीतू तिवारी का काम तमाम करवाने की धमकी दी है, जिसके बाद जीतू तिवारी के परिवार ने गांव छोड़ दिया और एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे घर में आए, घर के अंदर घुसे, बाहर भी मारा, घर के अंदर घुसे सालिग्राम गर्ग और उनके साथी आए, अंदर घुसे, हमारे घर वालों को मारा, हमारी बहन को मारा, माँ को मारा, पिता को मारा, हमारी भांजी को मारा, भांजे को मारा, नाबालिग भांजी थी हमारी, उसके साथ गलत गलत शब्द बोले इन्होंने, उसके कपड़े फाड़ दिए और घसीट घसीट के मारा सभी, मेरी पूरी फैमिली को, मेरी भांजी के साथ बहुत गलत कृत्य किया है। तो इधर भाई के विवाद पर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो अपने भाई के व्यवहार से, इस प्रकार के बर्ताव से बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका मन क्षुब्ध भी है और पीड़ा में भी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस मामले में देश में कानून है, कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के बर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं, कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई की करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं, हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें लक्ष्य और लंबी तय की दूरी है, जिसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा हैं। इन संघर्षों में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने कार्य हिंदू एकता नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता नहीं कर पाएंगे। ग्वालियर में हवलदार की दबंगई का वीडियो सामने आया है। वर्दी पहने हवलदार गाली गलौच करता दिख रहा है। हवलदार ने बच्चों के झगड़े में पड़ोसी को जमकर गालियां दी, मोहल्ले में लड़कों को दी जान से मारने की भी धमकी। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद डीजीपी समेत प्रदेश के तमाम पुलिस के आला अधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा करने जा रहे हैं, जिसमें खासकर महिला अपराध को लेकर सख्ती बरतने की रणनीति बनेगी। दरअसल अशोक नगर जिले में हुई घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ चुकी है, जिसमें युवती से रेप के आरोपी ने उसके घर में घुसकर मारपीट की थी और युवती का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की थी, जिसका वायरल वीडियो सीएम तक पहुंचा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। तो वहीं दिल्ली में चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन ने मुलाकात की है। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की। बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने चार मांगें रखी हैं। काउंटिंग प्रोसेस के अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और साथ ही ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की ही, जैसे ही वो पहुंचे चुनाव आयोग और फिर चुनाव आयोग से मुलाकात की गई है। दफ्तर जब वो पहुंचे, ये डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी का, पीयूष गोयल को आप देख सकते हैं और साथ ही आप निर्मला सीतारमण को भी देख सकते हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात की और चार मांगे रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल निर्वाचन आयोग और उनके कमिश्नर्स को मिला और हमने चार मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए हैं। हमने मांगा है और अनुरोध किया है माननीय इलेक्शन कमीशन से कि वो सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए और छोटी से छोटे विषय जो काउंटिंग प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको बड़े
गंभीरता से, गहराई से और संभल के किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार का डिविएशन या बदलाव कोई भी स्टेशन में देश भर में काउंटिंग में ना हो। साथ ही साथ हमने मांग रखी है कि जो काउंटिंग प्रोसेस है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 1.5 करोड़ अधिकारी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े थे, उसमें से जो लोग काउंटिंग में जुड़े हैं उनकी और सभी काउंटिंग एजेंट्स की भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कड़े कदम उठाए जाए। नौतपा के आखिरी दिन एमपी के कुछ जिलों में तूफानी हवा के साथ जोरदार बारिश हुई है, जिससे कि लोगों को भीषण गर्मी से और उमस से राहत मिली है। अनूपपुर में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे कि नौतपा की भीषण गर्मी से राहत मिली। जिले में कई घंटे जोरदार बारिश होती रही और बारिश से तापमान में गिरावट आई। तो वही सीधी की भी तस्वीर आप देख लीजिए, सीधी में भी मौसम का मिजाज बदला और तूफानी हवा के साथ आधे घंटे तक बारिश हुई, जिससे कि गर्मी से राहत मिली है। और इधर सतना में भी नौतपा के आखिरी दिन मौसम ने मिजाज बदला। शहर समेत आसपास के कई इलाकों में बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। ग्वालियर के माधवगंज में 3 बुजुर्गों की जान बाल बाल बच गई। दरअसल साईं कृपा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में 82 साल के आत्मराम, 85 वर्षीय बहन शीला और 104 वर्षीय मां दयावती के साथ रहते थे। आत्मराम की मां दयावती चलने फिरने में असमर्थ हैं, जबकि बहन शीला बोल सुन नहीं सकती। शनिवार को तीनों अपने फ्लैट में थे। इस दौरान फ्लैट की चाबी गुम हो गई, जिसकी वजह से पूरा परिवार भीतर कैद हो गया। आत्मराम ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने आवाज ही नहीं सुनी। थोड़ी ही देर बाद बाथरूम गए, आत्मराम वहीं गिरकर बेहोश हो गए। इस दौरान आत्मराम के भांजे ने उन्हें फोन किया, कॉल रिसीव नहीं होने पर तुरंत मौके पर पहुंच गया और पड़ोसियों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने शादी कर ली है। पिछले साल श्रुति रघुनाथन के साथ क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर की सगाई हुई थी। उनकी पत्नी फैशन डिजाइनर हैं। आईपीएल में ऑलराउंडर वेंकटेश ने जमकर धमाल मचाया था। वेंकटेश इंदौर के रहने वाले हैं और वो मध्य प्रदेश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। वेंकटेश अय्यर की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। और अब बात मंडला की करेंगे, जहां 2 बाघ शावक तस्वीरें खिंचवाते नजर आए हैं। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पर्यटकों को देखकर पहले एक शावक रुका और घंटों बैठकर अलग अलग पोज देकर अपनी तस्वीर खिंचवाता रहा। पहले शावक को तस्वीर खिंचवाता देख दूसरा शावक भी आ गया और वो भी दूसरी तरफ खड़ा होकर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। दोनों शावक कभी पत्थरों में तो कभी मैदान पर बैठकर घंटों तस्वीर खिंचवाते रहे। 2 शावकों को एक साथ देख पर्यटक भी रोमांचित हो उठे। आपको बता दें कि ये दोनों शावक कान्हा नेशनल पार्क की मशहूर बाघिन नीलम के हैं। अनूपपुर जिले के कोठी ग्राम में दिन दहाड़े भालू घूमते हुए दिखा। भालू देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भालू के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब तक जंगली जानवर रात के अंधेरे में ही दिखते थे, लेकिन जिस प्रकार से अब दिन में भी देखे जाने लगे हैं, उससे ग्रामीण की चिंता बढ़ गई है।